अवयव बारह का वचन है, चाहे वो इतना अपने पुत्र से हो, अपनी संपत्ति से हो, अपने राज्य से हो, अपने पति से हो, अपने पिता से हो, अपने पुत्र से हो, या अपने आध्यात्मिक गुरु से हो, जिसके साथ तुम बाहर निकल कर आई और उसको जीना चाहिए। हम मोक्ष से कहते हैं, हम गुरु से अलग हुए और फिर गुरु से मिलने को, गुरु में मिलने को ही मोक्ष कहा गया है। गुरु में लीन होने की क्रिया को ही मोक्ष कहा गया है। हम गुरु से बिछड़े हुए हैं और आगे यहाँ बिछड़ के गए हैं और हमें हमारा अंत यह है कि हमारा अंत होने के बाद हमारी आत्मा उस परमात्मा और गुरु से मिल जाए। इस क्रिया को अगर करना है तो आप जरूर इस विज्ञान की प्रक्रिया को, इस साधना को समझ लें। यह साधना कल सुबह 7 से 9 बजे के बीच में करनी है और इसको गणेश जी का यंत्र और गणेश जी की माला के साथ यह द्वादश घाट पर राधा जी का क्या हुआ, सारे मणियों को जोड़ते हुए गणेश जी की, गणेश जी का, गणेश जी की साधना की है। और जो पंचम के आसन या नौ सभी के आपको योग मिले, नवमी के आसन पर भी जाना हो तो अगर ये साधना को आप संपन्न करते हैं तो आप नवमी के आसन पर भी जाने का स्पर्श करने या वैक्सीन की क्रिया आपको दे। आप कहेंगे कि साधन की श्रेष्ठता क्या है, इस आदमी की श्रेष्ठता यह है कि आपके जीवन में किसी के पास हाथ पसा करके पूछना पड़ेगा कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा पूर्ण जन्म क्या है, फिर मेरे घर से क्यों आया, फिर मेरे घर से क्यों आना चाहिए, ये पूछने की प्रक्रिया नहीं होगी। इसने बच्चों की आदत को स्पर्श किया है, सामना के अर्थ पर बैठ गया या इस अर्थ पर बैठने के कोई विघ्न ना आए, इसके गणेश जी की आराधना जो माता राधा रानी ने, गणेश जी ने राधा रानी को कही थी, राधा रानी ने पिता ने सफल की थी, वही साधना मैं आपको आज दे रहा हूँ। आपके जीवन को अगर आप सिद्धार्थ तक पहुंचना चाहते हैं और गुरु जी की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं कि आप सिद्धार्थ सारे परिवार की ओर से आगे बढ़े तो आप इस साधना को जरूर संपन्न करें। मैं ये साधना का यंत्र और माला कल सुबह 6 बजे भी लेना है, रात में ही चक्र को सुना नहीं। श्रेष्ठता यह है कि यंत्र और माला को 21 माला करने के बाद उस यंत्र और माला को हम किसी दुर्वा की जमीन में दुर्वा के नीचे गाड़ देना चाहिए, उस यंत्र को या उस यंत्र को किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। ऐसी ही 21 माला हुई, यंत्र को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पूजा करके वहाँ एक सिद्धि जमा होने वाले सिद्धि तभी मिलेगी और विघ्न आपके जीवन में कभी आएंगे नहीं। इस यंत्र की श्रेष्ठता यह है कि 21 मारा उस यंत्र को करें और उस यंत्र को वही या तो पानी में या तो दुर्वा जमीन में या तो पीपल की झाड़ के नीचे उस यंत्र को छोड़ दें। आपके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आ रहा कि आपके जीवन में कोई किसी प्रकार का दोष हो तो जीवन का निवारण करने के लिए भगवान गणेश जी आपके साथ आपका साथ देते हैं। कोई भी पूजा में हो या कोई साधना में हो आपके ऊपर विघ्न ना आने अरे क्रिया को जिस गणेश जी ने माता राधा रानी ने जो साधना संपन्न की थी वही साधना आपको करवाने का या विधान बताने का कल सुबह 6 से 9 बजे के बीच, 9 बजे के बाद मैं किसी भी प्रकार उस साधना यंत्र को नहीं दूंगा क्योंकि जो लोग बच्चों की आसन पर बैठना चाहते हैं वही लोग इस साधना को संपन्न करें, अन्यथा आपको करना नहीं है। मैं जो साधना बात कर रही हूँ वो बता देता हूँ। अब मैं आज के इस दिन का कार्यक्रम क्या है वो बताता हूँ। आज हमने आज बच्चों की आसन की साधना की, सुबह उनकी कार्य हुआ। लोगों का शिष्यों का कहना है कि आप क्या गृहस्थों के लिए बच्चों की आदत की स्थापना करेंगे, ऐसा करना ठीक है? आप बच्चों की आदत केवल शिक्षकों की स्थापना की जाती है, योगियों को ही किया जाता है। ऐसे ग्रंथों को जो रोज बातें बने खाने वाले रोज अपने बच्चियों के साथ रहने वाले जो कभी साधनाएं संपन्न नहीं, ऐसे लोगों को भी अपनी बच्चों की आदत में दिखाओगे जो उनका विरोध था। लेकिन मैं मेरे तरफ कुछ गुरुदेव जी करना कि प्रभु 14 साल हो गए आपका नाम लेते हुए ये मेरे साथ जुड़े हुए, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि 14 साल का वनवास मैंने भोग लिया और उनके लिए आपको कुछ करना है, इसलिए मैंने एक पशु की आरती की स्थापना की है कि प्रभु आप मुझे एक बार आज्ञा दे दो, मैं इनको योग्य बनाऊंगा तभी पशु की आरती पर बिठाऊंगा। लेकिन स्थापना करने की तो बात हो क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी किसके चेतना केंद्र लक्ष्मण विज्ञान का शिक्षक केंद्र है। बच्चों के आदि पर हम प्रयोग करेंगे गणेश जी के आराधना करने के किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो अपने जीवन में तो इसे करना। आपको मैं कल सुबह 6 से 9 बजे का समय देता हूँ। दोपहर में हम प्रभु जी सद्गुरुदेव जी की सिद्धांत प्रवृत्ति की साधना संपन्न करेंगे जो सिद्धांत जाने के लिए योग्य दीदी से बनाई जाएगी। रात में कल अमृत काल में बच्चों की आश्रम की स्थापना करेंगे
और परसों के दिन बच्चों के आसन का अभिषेक होगा। जो योग होंगे उनको बच्चों के आसन को स्पर्श करने स्पर्श करने दिया जाएगा और आसन पर बैठने दिया जाएगा। नहीं है तो नाराज ना हो, आप उसके लिए सक्षम होने की क्रिया करें, उसके लिए सामर्थ्य करने की क्रिया करें कि आप उस बच्चों के आसन पर बैठने के लायक हो। उसके लिए जो भी क्रिया है जो भी साधनाएं हैं आप स्थापना करें। मैं उसके लिए आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप योग्य हो। इसी चेतना के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए बता दें कि यहाँ दसवां अध्याय में कोई भी साधना यहाँ से करनी जा सकती है और किसी को मार्गदर्शन रखते हुए किया। लेकिन इस जब से प्रथम की आदि की स्थापना और लोगों को एक जगह करने की क्रिया कर रहा हूँ। आप नहीं जानते कि मेरे शरीर को जितनी तरह से घाव पहुँचाना है लोग उत्तर भारत से पहुँचा रहे कि आपको इस कार्य को करना नहीं है। आप ही साधारण लोगों के लिए उनके लिए साधारण लोग होंगे, लेकिन मेरे लिए जो गुरु से रख करता है वो ब्राह्मण की है, वो ब्राह्मण है, वो ले लेता है। आप सब लोग मेरे लिए साधारण नहीं, लेकिन क्रिया तो क्रिया होती उसका विधान होता है और उस विधान के लिए करना ही होता है। मैंने दोपहर में भी आपकी माता ने मेरे पति से मैंने कहा कि मेरा शरीर इतना निचोड़ रहे हैं कि मैं एक मिनट के लिए जैसा गुरु मंत्र रखूँगा मैं सहन नहीं कर सका कि मेरे शरीर को जो उन्होंने भाव किया। और उन्होंने कहा कि आप बच्चों की आदत की स्थापना रोक दो। मैंने कहा आपका भी आदर किया है, मैं रोकूंगा नहीं, मैं इस कार्य को करते रहूँगा और आपके सामने कार्य करते हुए संपर्क कर रहा हूँ। तकलीफ कष्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन आप आज भी तो कल प्रभु ने सदगुरुदेव की कृपा से अनिल कुमार जोशी ने क्या जो कार्य किया है आज नहीं तो कल का समान बोलेगा कि अनिल कुमार जोशी क्या कार्य किया। चाहे मेरे जीवन को उत्तर करना पड़े, मेरे जीवन को छोड़ना भी पड़े, मैं इस कार्य को करके रहूंगा और स्थापना करके रहूंगा। केवल प्रभु ने सदगुरुदेव जी के मंत्र जप करने वाले उन साधकों के लिए जो करते हैं कि मेरा जीवन आज भी करता है, उन लोगों के लिए साधना करने के बाद सिद्धि नहीं मिलती। गुरु जी ने कहा है कि किस तरह साधना है, भारत में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो स्टेज पर खड़े रहकर ये करते, चाहे कोई आचार्य हो चाहे कोई आदमी हो, ये बात धर्मले के साथ नहीं कह सकता कि मैं आसन पर खड़ा हूँ। मैं व्यक्ति पर केवल आपको प्रत्यक्ष करके बता सकता हूँ, लेकिन आने वाला विशेष चेतना करने का हर साधक ये बता देगा कि मैं
छोड़ने की जरूरत है कि क्यों अमल पर बैठी हुई, इसके ऊपर बैठने का पीछे क्या है। ये जो आप सदाशिव छोड़ने की जरूरत है कि इन्हें देखें ब्रह्मा रुद्र विष्णु और गणेश जी देखें, यह पंच प्रेताश्रम का गया इनके मुंडों पर बैठे हुए माँ, ये जीवंत नहीं है जिनके ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं बैठे हैं। तो ये मुंडों की क्रिया क्या है, मुंडों पर चिंता करने का विधान क्या है, इसको क्यों ऐसा बैठा जाता है। आपको मैंने बहुत बार कहा, हमने कहा कि माता सिंहों पर बैठी हुई, एक बार आपको ये आदमी एक पैर पर सिंह पर बैठा के बैठ गया क्या, आप सत्य में नहीं मान सकते, माता ने तो उसके ऊपर इज्जत के मारा है, ये हो कैसे सकता है। आप अगर सोचो कभी तो चूहे के ऊपर बैठ सकते हैं, गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ गया और मूर्खा सुख को मार दिया, इसके लिए विधान क्या है। हमने कभी विचार ही नहीं किया, नाक पर चेतन करते एक जगह जिसकी तुम ठीक तरीके से मेरे नाक की ऐसे नाक पर भगवान विष्णु चार महीने क्या नाक ऐसे बैठा आपका धूम लड़ता, तो इसके पीछे देखना का तत्व क्या, कभी आपने सोचा। जल समुद्र हो फिर समुद्र है, समुद्र हिलते रहता है, तो भगवान सोते हुए हिल रहे थे या नाक ठीक लेकर बैठा हुआ था। कभी आप विचार किया, आपको कोई अमेरिकन आकर ऐसा प्रश्न पूछा तो बोलेंगे नहीं हमारे शास्त्र में लिखा है, आप बताओ एक नाक को मैं पानी पे खड़ा कर देता हूँ ठीक तरीके से दिखाओ, बस विष्णु बैठी की बात सुन के क्या कर सकते हैं। एक चूहे के ऊपर कोई पत्थर को बिठा कर चला सकते हैं, भगवान गणेश जी को दूर की बात है। एक भय पर बैठ के जा सकते हैं, हर वही मीटर बनकर चार आकाश छोड़ते जरूर पर बैठ कर जरूर पर बैठ कर आप प्रणाम प्रयाण कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, इन्हीं मुंडों पर रखकर उन विद्वा उन विद्याओं को जो पंचम के आसन को सिद्ध किया वो आकाश में होने की शक्ति प्राप्त की। उस मुंडों के पीछे क्या आसन है, क्या आदर्श स्थिति है, क्यों इन देवताओं को हमने स्थापित किया है, देवता किसे कहते हैं और देवताओं को क्या करना चाहिए। अभी आपको इसने में एक चर्चा छुड़ी थी, स्वामी स्वरूपानंद जी ने कह दिया था कि शिरडी के साई बाबा भगवान नहीं है, पहले ये पूछता हूँ कि भगवान किसे कहते हैं, किसको भगवान कहते हैं, जरा भगवान का अगर विश्लेषण तो बताओ। अगर भगवान शिरडी साई बाबा भगवान नहीं है तो फुटपति साई बाबा भगवान फुटे साई बाबा पहले ही लगा दिए। आप देखते हैं तो कल्कि भगवान को अम्मा भगवान भगवान कल्कि कल्कि भगवान पहले भगवान लगे हैं, ऐसे कितने भगवान आपको बताओ भगवान नाम के लग लिए। यहाँ हुआ क्या, शंकराचार्य की जितने भी शंकराचार्य है वो लोग कहते हैं कि भगवत पाद शंकराचार्य अभी भगवान के चरणों में रहने वाले। अगर शिरडी साई बाबा को भगवान कह दिया तो शंकराचार्य शिरडी की साई बाबा के चरणों में आके भगवत पाद कहलाए, तो यहाँ कंट्रोवर्सी आरंभ हो गई। तो मैंने पहले कहा कि भगवान किसे कहते हैं, आप एक हम बता देते हैं तो आगे काम होगा, और आजकल हम तो कहते हैं जो कोई भी ठहरा गया भाई भगवान तो मेरे लिए भगवान, भगवान का अर्थ क्या है, भगवान किसे कहते हैं, इसको बात पहले बता दें तो हम शिरडी साई बाबा भगवान आ गया ये बात बोलना है। हमारे लिए जो हमें सहायता करने वाला है वही भगवान है, वही देवता है, हमने भगवान को तो देखा नहीं, कौन कहा शिरडी साई बाबा ने आज सभी को उनकी इच्छा पूर्ण की है इसलिए वो उनके लिए वो भगवान है। कभी शिरडी साई बाबा ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो गलती क्या है। एक बार ऐसा ही हुआ, यहाँ के एक बड़े आयोजक ने कोर्ट में यह डाल दिया कि अनिल कुमार जोशी विशुद्धानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, विशुद्धानंद जी कहते हैं। तो कोर्ट के जज ने मेरे को पूछा कि ये ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे को विशुद्धानंद जी कहा जाता है, प्रभु बोले वो मैं बोला तो गलत कह रहा है प्रभु, मुझे विशुद्धानंद जी एक ही नहीं कहा जाता, मुझे भगवान शंकर भी कहा जाता है, माता जी को पार्वती कहा जाता है, मुझे भगवान नारायण भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं, मेरे को भगवान गणेश जी भी कहते हैं, और सारे एक विशुद्धानंद जी है कि मुझे और नामों से भी पुकारा जाता है। बोले वो कहते हैं जो भी देखता है मेरे माता पिता कहते हैं जो हमारे पेट में भगवान कृष्ण और जन्म हुआ, हमारे गाँव में नहीं प्रभु शंकराचार्य
ये बात अलग है कि आप मुझे नाना रूपों से नाना बातों से कहते हैं, मैं आपके बातों को ये नहीं कहता कि मुझे मेरे पीछे क्या कुल लोग क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो हर एक का मुंह जाकर छोड़ना पड़ेगा, अरे मुझे ये मत कह, ये मत कह, लोग रुकने वाले नहीं। लोग जिसको राम हुआ वो कहेंगे कृष्ण है कहेंगे, वो कहेंगे राम है कहेंगे, वो कहेंगे भगवान शंकर शिव है, दूसरे लोग कहेंगे राक्षस है, ऐसा भी कहने वाले हैं। तो उनको रोक से कैसा रोक किया जाता है? ये हमारा कार्य है कि हम क्या कहते हैं। अगर मैंने कभी ये बात कही है कि मैं कृष्ण जी हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो बताओ आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। ये बात नहीं हुई है, इसलिए इस बात का विचार करते हुए कार्य करना है। हम अपने जीवन में एक विशेषता प्राप्त करने के लिए जिस विधान से जाते हैं, जो शास्त्र कहता है, वो शास्त्र से जाने के बाद अगर हमें कोई कहता है कि विश्व में से आदमी मर जाता है, तो फिर भगवान शंकर जी ने विश्व क्या मरे क्यों? क्योंकि उनको फिर धारण करने वो क्रिया जो है वो आदि हालात में सुनने उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। जो नाग सांप विश्व धर्म है वो विश्व छोड़ता है, ऐसे विशेष नाग पर भगवान विष्णु बैठ गया, उसके विश्व भगवान विष्णु को नहीं आता, भगवान विष्णु नीले बन के हैं। तो अगर सांप काटे तो नीले बन जाते हैं, तो सारे भगवान के उस एकनाथ का विष भगवान विष्णु पर है, इसलिए नीले बन रहे नीलम है, सांप आ गया है। तो हम इसका विचार नहीं करते कि क्या हो रहा है। हम जब तक इस विचारों को नहीं करते तब तक पंचमुखी आसन का विशेषता आपको पता नहीं चलेगी, आप मालूम नहीं होगा। इसलिए इस आसन के बारे में आप जानने की क्रिया करेंगे तब जब आपका सपा लाख पांच बार गोवन ग्रंथ होगा, जब दशमान को साधना आप संपन्न करेंगे तब लगेगा कि मैंने अपनी कितनी ऊर्जा खर्च करते हुए इस पंचमुखी आसन की स्थापना की। आप इस बात को समझने के लिए चाहे समय लग जाए लेकिन उस दिन आंसू जरूर बहाएंगे, जिससे आपकी विश्व विशेषता का पता चलेगा कि अनिल कुमार जोशी ने गुरु जी की कृपा पर पंचमुखी आसन स्थापित करने के लिए अपने रक्त को, अपने मांस को, अपने शरीर को किस तरह निचोड़ दिया, किस तरह खोटा है, उस दिन स्थापना का विशेष महत्व आपको पता चलेगा। मैं आज कहता हूँ कि लोक कल्याण और मेरे गुरु जी का नाम लेने वाले सारे लोग सुप्रसन्न हो, आनंददायक हो और सिद्धिदायक हो, इसके लिए मैंने यह कार्य किया है। परम पूज्य सत्यदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आइए कहता हूँ कि आप सभी को प्रभु पंचमुखी आसन की वो सिद्धियां प्रदान करें और आपको सिद्ध बनाए और इस संसार में आपके जीवन में कभी दुख ना हो, किसी प्रकार का विघ्न आपके घर में ना आए और विघ्न प्रवेश ना हो। इसलिए चेतना केंद्र कार्य कर रहा है, उसका पहला बुनियाद 14 साल के बाद पूरा भगवान के बाद 15 साल में इस पंचमुखी आसन की स्थापना मैंने की है। आपको कल सुबह 6 बजे उस विज्ञान की राधा देवी की सिद्धांत की उस साधना को संपन्न करने के लिए दूंगा कि आपके जीवन में कभी पंचमुखी आसन की साधना करते हुए या कोई भी दशमांत्या की साधना करते हुए या कोई गुरु साधना को की साधना करते हुए आपके जीवन में विघ्न ना आए, इस चीज को बताने के लिए मैंने ये साधना संपन्न की है, ये साधना आपको दे रहा हूँ। आज रात में ही मैं आपको उस मंत्र को अभी आपको देता हूँ और अब सुबह 21 बार करना है। इस मंत्र को मैंने पहले दत्तू भैया को नहीं बताया है, ना इस यंत्र की बात की है, ना माला। यह यंत्र आएगा तो शून्य से आएगा, यह यंत्र मैंने अभी भी कहा है आपको, यंत्र देने की बात अभी नहीं मेरे पास, मैंने कहा है। और यह मंत्र मैंने दत्तू भैया कहा भी नहीं मंत्र दे रहा हूँ, ये बता भी नहीं मंत्र दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे आज जो आपकी गड़बड़ी देखी पंचमुखी आसन के पास, तो आप जरूर मैं नहीं भी कहूंगा तो सब करेंगे ही करेंगे, आप नहीं करूंगा तो ढकेले भी करेंगे, और आप ये नहीं करूंगा तो मेरी गाड़ी पकड़ने के लिए पाप वाली क्योंकि हम बैठ सकते हैं क्या मंत्र, हम 5 सवाल अगर बात करते हैं तो अभी चल जाते हैं। अब मैं उसके लिए मेरी स्थिति क्या होगी मुझे पता है, अभी छोटा गया हूँ तो पूरी गली से नीचे गिर जाऊंगा, उससे पहले कि आपको जो विघ्न आए विघ्न की साधना को दे रहा हूँ। मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ आप मेरे साथ मंत्र बोले उसके बाद मंत्र लिख लें, इसकी 21 माला मंत्र कल सुबह करना है, यंत्र और माला कल सुबह आपको मिलेगी। यह यंत्र मणि मणियुक्त होगा, मणि के साथ होगा, जो राधा देवी ने साधना को संपन्न किए। आपके जीवन में किसी प्रकार की साधनाओं में हो या पंचमुखी आसन पर बैठने की क्या हो या सिद्धांत के सिद्धों के बाद जाने की क्या हो, कोई गलती हो तो किसी प्रकार का विघ्न न आने की साधना को, की साधना को माता राधा रानी ने ही किया है। तो हम तो कहाँ के हैं, जो साक्षात कृष्ण की प्रिया की कृष्ण की प्रिय कमा थी, कृष्ण ने जिन्होंने विरह को किया था केवल गणेश जी की आराधना करने के कारण, ऐसे जीवन में अपने जीवन में विरह न आए, अपने जीवन में वही पुत्र पुत्र धनधान्य समृद्धि सभी रहे, जो अपने साथ जुड़ी हुई हो, हम गुरु कार्य कर सके, गुरु कार्य करने के हमारे सामर्थ्य हो, अगर आप चाहते हैं तो यह साधना जरूर संपन्न करेंगे अपने जीवन में। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। विघ्न विनाशिने स्वाहा।
क्लाउन गो सिग्नल डाटने स्वाहा ओम कम क्लाउन गो सिग्नल डाटने स्वाहा। एक बात कह रहा हूं आपको, यह यंत्र और माला केवल 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही प्राप्त होगी। 9 बजे के बाद में आपको एक यंत्र भी यहाँ नहीं मिलेगा, चाहे कहाँ चले जाएंगे गायब होगा उसके पता नहीं सकते, या माला होगी नहीं होगी बता सकते। इस यंत्र को कल सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आपको लेना है। वहाँ जितने यंत्र मिले आपका भाग्य है, न मिले आपका भाग्य है। आपको जिस साधु संत या गुरु जी का दर्शन या सिद्धार्थ के योगियों का दर्शन सिद्धार्थ से मार्गदर्शन या दशमा विचार साधना चाहते हैं तो इस किसी प्रकार का विघ्न आने वाली साधना को संपर्क अच्छे से करें। 21 माला मंत्र केवल करने के बाद माला और यंत्र को किसी पीपल के घर के नीचे या दुर्वा रूपी भूमि के नीचे या फिर किसी गणेश मंदिर में या यंत्र छोड़ दें और आप आकर यहाँ साधना स्थल में 5 माला गुरु मंत्र जप करें गणपति साधना के बाद। उसके बाद में जो साधना है अनेक बार बताऊंगा, मैंने आपको बताया आज आप सभी लोग दूर से आए हैं थके हुए हैं, बात को जानता हूँ। आज सभी लोग 1 माला गुरु मंत्र जप अभी करके आप सो जाए, कल दशमाविचारों के जो मंत्र हैं उसकी पूजाओं के साथ पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी का मंत्र होगा, उसके बाद दशमाविचारों के बारे में बताऊंगा, दशमाविचार किस प्रकार होते हैं, उसके बाद रात में पंचवटी आदि की स्थापना आप सभी के सामने करूंगा कल रात में। और उसी को रात के 12 बजे केवल मैं अकेला पंचवटी आदि पर बैठने की क्या करूँगा। उसके बाद आपको शनिवार के लिए आप जो भी भेज रहे हैं या जो भी आपके कार्य हैं वो देखकर गुरु पूर्णिमा के दिन आप पास पर बैठने का अवसर प्रदान करूँगा। कल सुबह गणेश जी का मंत्र होगा, फिर उसके बाद प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद जो भी साधना मैं उन्होंने या ज्ञान का होगा वो दूंगा। रात में छठ की आदि की स्थापना होगी, छठ की आदि पर बैठी क्रिया होगी। आपके जीवन में मैं भी बैठूंगा, आप अपनी इच्छा बोल दे सकते हैं। हुआ तो आपके पूरे दिन और इज्जत की त्रुटियों को कारण किसकी आपका अध्यात्म हुआ, क्यों ऐसा आप तरस रहे हैं, क्यों आपके जीवन में यह विरह है या क्यों आपके जीवन में यह बाधाएं हैं, क्यों आपका जीवन इस प्रकार उजड़ा हुआ है, ये सारी चीजें मैं कल आसन पर बैठने के बाद आपको हो सके तो आपको उठाऊंगा और इस आसन की स्थिति के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, यह साक्षात कल रात के 12 बजे चलेगी। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन आप जो भी विशेष साधना में संपन्न करोगे वो साधना करेंगे आप, तो बच्चों की आसन पर बैठने की क्रिया के लिए मैं साधना ढूंढ रहा हूँ। अगर वो साधना मिल जाए तो आप सभी को भी वो साधना संपन्न करके बच्चों की आसन पर बिठाने की क्रिया करूँगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अगले दिन आपको बताऊँगा। आज आप एक बार गुरु मंत्र जप करें, भोजन करके सो जाएं, कल सुबह 6 से 9 बजे के बीच में 7 बजे गुरु मंत्र गणेश जी का वह यंत्र भाग मिलेगा आपको। अगर इच्छा है तो आपके जीवन में गणेश का यंत्र मारा और मंत्र करें। उसके बाद मैं आकर आपको बताऊँ उसके बाद की साधना संपन्न करूँ, क्योंकि उस साधना को करने से पहले मुझे भी पंचमुखी आसन के साथ जिनके साथ रोज युद्ध कर रहा हूँ आजकल, वो मुझे कल मुझे वो भी करना है स्थापना से पहले, क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे हैं कि पंचमुखी आसन की स्थापना नहीं करनी चाहिए। फिर भी देखेंगे कि हमें हमारे जीवन में क्या होता है, हम वो साधना की संपन्नता करेंगे और आपको उसकी विशेषता का ज्ञान प्रदान करेंगे। आप एक बार भोजन करके भोजन कर आप विश्राम ले लें, सुबह उस गणेश जी की साधना कर लें। मंत्र आरती यहाँ लिखवा दूंगा, सुबह उस साधना को संपन्न करने के बाद मैं आपसे आके मिलूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही एक विशिष्ट साधना करनी है जो कि आप सभी लोगों को बच्चों की आसन का दर्शन करवाऊँ और उसके ऊपर बिठाने की क्रिया करूँ। और स्थापना के पीछे जो विरोध हो रहा है उस विरोध को भी मैं तगड़ा जवाब देकर मेरे गुरु की आज्ञा से मेरे गुरु की कृपा के साथ इस कार्य को संपन्न करूँ, क्योंकि ये कार्य करना आज आपको पता नहीं है। एक मामूली आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठना चाहता है, राजा बनना चाहता है, तो कितने लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है आपको अच्छी तरह पता। तो इस आसन की स्थापना भी उससे कोई कम नहीं है, इसमें राजा भी अगर बैठ जाए तो उत्तर के जाता है। राजा को भी यह आसन प्राप्त नहीं होता, आसन को प्राप्त करने के लिए देवता भी करते हैं कि इस आसन पर हम एक बार बैठे। ऐसे आसन की हम स्थापना कर रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, कल सुबह मैं इसकी पूजा और क्रिया आपको सभी को समझाऊंगा। एक बार सती से अच्छा भजन सुनता हूँ, चलिए एक बार मंत्र करेंगे, उसके बाद भोजन का कार्यक्रम होगा। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देते हुए यह कार्य संपन्न करने की क्रिया करता हूँ, तब तक